नमस्कार नष्ट पार्ट सेवेन को स्वागत करुछी मु विश्वजीत नजर पकाइबा हेडलाइन उपरे। छत्तीसगढ़ सीमांत रे बड़ हमला नक्सल आक्रमण रे 22 जवान शहीद हॉस्पिटल रे 30 जन को चिकित्सा शहीद को परिवार को प्रधानमंत्री को समवेदना डीजीपी कहले चालिबो संता। महामारी कोरोनार महा मुकाबला कैबिनेट सचिव स्वास्थ्य सचिव और प्रधानमंत्री प्रमुख सचिवों सह मोदी आलोचना देश में टीकाकरण उपरे गुरुत्व स्थिति उपरे नजर। राज्य में बढ़ुची संक्रमण 10 जिले में बिगड़ुची स्थिति दिन बेले लागू हो पारे कर्फ्यू सेपटे 7 पॉजिटिव बाहर पर भुवनेश्वर एसबीआई मुख्य कार्यालय सील। कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी श्रीमंदिर विशोधन भक्तों निरापत्ता दृष्टि प्रशासन पदक्षेप मास्क बाध्यतामूलक सामाजिक कटक अन्न्य नियम को गुरुत्व। उपनिर्वाचन लगे कंपुची पिपिली बीजेडी बीजेपी और कांग्रेस प्रार्थी माराथन प्रचार डोर टू डोर कैंपेन करुछन्ति रुद्रप्रताप आश्रित अजित गड़दखल लगे प्रयास। पुणि छत्तीसगढ़ दादागिरी नुआपड़ा सिनापल्ली रेंज रे 10 एकर जगह दखल काटिले शह शह गछ स्थानीय अंचलवासी असंतुष्ट अचिंतार प्रशासन। खबर आरंभ करिबा एक बड़ खबर मालकानगिरी सीमांत छत्तीसगढ़ बीजापुर मातिले माओवादी करिछन्ति बड़ धरणर हमला प्राण हरायछन्ति 22 जवान स्थितिर समीक्षा करिछन्ति छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सेपटे नक्सल मुकाबला लगी वज्र घोषणा कर पुलिस डीजीपी अभय कोरापुट गस्त अवसर में से कहते जवान ए बलिदान व्यर्थ जीवनी। मालकानगिरी सीमांत छत्तीसगढ़ बीजापुर माओवादी लाल हमला प्राण हर 22 जवान ताकू गुर्मा जंगल हमला पुलिस माओवादी जोरदार गुड़ विनिमय जंगल में 600 ऊर्ध माओवादी एक बैठक करुवा खबर पाई बीजापुर पुलिस पक्षर होता ऑपरेशन सीआरपीएफ डीआरजी और कोब्रा बाहिनी पक्षर आरंभ होता कॉम्बिंग ऑपरेशन तेरे जवान मैंने आसवा नहीं पूर्व माओवादी मैंने सूचना पाई मुकाबला लगी प्रस्तुत होते जवानों कॉम्बिंग बेले माओवादी पक्षर आरंभ होता हमला आखि बुजा गुड़माड़ बोमा विस्फोरण में कंपी जंगल घटनारे आहत 35 जवान को एयर लिफ्ट करा जाए विभिन्न हॉस्पिटल में चिकित्सा लगी भर्ती करा जाए छी। हमला को खातिर न करी जवान मानों द्वारा कॉम्बिंग जारी रही बेले माओवादी मैंने अस्त्र और गुड़ी लुट कर समीक्षा कर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। 4 घंटे तक के लगातार फायरिंग हुई है और नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे जवान भी शहीद हुए हैं अभी मिसिंग हुए हैं तो उसके बारे में पूरे आंकड़े अभी आने बाकी हैं। टीम निकली हुई है और मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही इनकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जहां तक की बात नक्सलियों की है वो अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। 7 घायल हुए थे उसको रायपुर शिफ्ट कर दिया गया वो सब आउट ऑफ डेंजर है। सेपटे नक्सल मुकाबला लगी वज्र घोषणा करिछन्ति पुलिस डीजीपी अभय कोरापुट गस्त अवसर में से कहिछन्ति जवानों बलिदान व्यर्थ जीवनी माओ मुकाबला लगी ओडिशा पुलिस प्रतिबद्ध ओडिशा रे माओवादी प्रभाव कमी नक्सल मुकाबला लगी ओडिशा और छत्तीसगढ़ मिलित भावे संग्राम करिबे एहा सह से शहीदों परिवार को समवेदना जनाइछन्ति। जहाँ जमान शहीद होती काली आम समस्त मिसिकी ए नक्सल मान मुकाबला करने को प्रतिबद्ध उड़ीसा संख्या रे तंका प्रभाव से कमी आसमें छत्तीसगढ़ पुलिस सीआरपी समस्त मिसिकी एम को दमन कर किसी दिन व्यवधान पर ताति माओवादी आोमहर्षक हमला छत्तीसगढ़ लगी पलटि चिंतार कारण मलकानगि गोपीकृष्ण पट्टनायक रिपोर्ट एमबीसी न्यूज। एपटे मालकानगिरी गस्तरे पुलिस महानिर्देशक अभय नक्सल प्रवण अंचल उल्लेखनीय कार्य जो मालकानगिरी एसपी ऋषिकेश खिलारी 30 जन पुलिस कर्मचारी को सम्मानित करिछन्ति। विशेषकर चित्रकोंडा स्वाभिमान अंचल विकास लगी पापर मेटला थाना अधिकारी लक्ष्मीनारायण मुदुली को गैलेंटरी अवार्ड प्रदान करने पर फोटो उठाई डीजीपी
मालकानगिरी जिले में प्रथम थर लगी आयोजित एक राज्यस्तरीय पुलिस पुरस्कार समारोह रे एडीजी ललित दास गुइंदा निर्देशक आरके शर्मा आईजी ऑपरेशन अमिताभ ठाकुर डीआईजी गुइंदा अनिरुद्ध सिंह दक्षिण पश्चिमांचल डीआईजी राजेश पंडित प्रमुख जोग देते पुरस्कार वितरण पर मालकानगिरी एसडीपीओ नूतन कार्यालय उद्घाटन करे जिले में नक्सल मुकाबला सह नूतन रणनीति को मालकानगिरी एसपी और बीएसएफ अधिकारी बैठक करते जो माने मलकानगिरी जिले में भल कम कर गोटे पदक समारोह आम रखी जो कौ इनचर सेरेमनी ए गत दुई वर्ष जो माने पदक पाई से माने को फर्स्ट टाइम आम कहलु कि मलकानगिरी समारोह करवा एंड ए समस्त को पदक बांटा जवान मान मनोबल भल अच्छी एंड आउ भल रही एंड एवं जो किए आम परफॉर्मेंस बहुत बेटर अच्छी एंड नक्सल्स एंड इन्फ्लुएंस बहुत डिक्लाइन रे अच्छी सेपटे पुलिस डीजी अभय कोरापुट गस्तरे जाए स्थितिर समीक्षा करिछंती कोरोनारे मृत शहीद पुलिस कर्मचारी परिवार को सम्मानित करिछंती दक्षिण पश्चिमांचल रेंजर उल्लेखनीय कार्य करथिबा पुलिस कर्मचारी को डीजी डिस्क मेडल प्रदान करिछंती पुलिस कर्मचारी माने निष्ठार सह कर्तव्य पालन करबाकु डीजी आह्वान देइछंती लोकंक सेवारे सबुबेले सकारात्मक दृष्टिभंगी रखी पुलिस कर्तव्य संपादन करबा उचित सामाजिक प्रतिबद्धता स्वच्छता और साधारण जनजीवन प्राथमिकता रखा पुलिस को आह्वान देता बेले मनोबल वृद्धि कर सम्मान मिली केवी कोरोना समय जो अक्रांत परिश्रम करूँ फल पाइज बहुत खुशी सेवादार रखी आज जी डिस्पर आज बहुत खुशी समस्त माइंड उत्साह समस्त प्रेरणा पाइबे समस्त काम कर बहुत आनंदित ए वर्ष से आरंभ कर मलकानगिरी कोरापुट कंधमाल इनचर से अंचल जो पुलिस मैंने खूब भल कम कर उत्साहित करने सम्मानित करने काम को रिकग्नइज करने बढ़े चली संक्रमण काबू हेनी भूताणु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री मुख्य सचिव केन्द्र स्वास्थ्य सचिव एवं अन्यान्य वरिष्ठ अधिकारी आलोचना करिछंती बैठक में कंटेनमेंट जोन लॉकडाउन एरिया अधिक टेस्टिंग संगरोध आदि उपरे गुरुत्व प्रदान करा जाइछि सेपटे महाराष्ट्र स्थिति अधिक जटिल होवारे लागिछि देशरे काया विस्तार करुछि कोरोना काबू हेउनी मारात्मक भूताणु सेपटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करिछंती स्थिति समीक्षा संक्रमण बढ़िबा सह बढ़िछि केन्द्र सरकारक चिंता कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री मुख्य सचिव केन्द्र स्वास्थ्य सचिव एवं अन्यान्य वरिष्ठ अधिकारी मानंक सह प्रधानमंत्री करिछंती आलोचना दिनकु दिन भाइरस सारा देशरे पुणी विस्तार करुथिबा हेतु चिंता व्यक्त करिछंती प्रधानमंत्री गत सेप्टेम्बर तुलन में सर्वाधिक पॉजिटिव बाहर जो सरकार बढ़ी चिंता बैठक में स्वास्थ्य सचिव दर्शाई महाराष्ट्र कर्णाटक छत्तीसगढ़ दिल्ली तमिलनाडु उत्तर प्रदेश पंजाब और मध्यप्रदेश में कोरोना स्थिति खराब होगा आठ राज्य में जिते संख्यक पॉजिटिव बाहर मोट संख्यार 81% कोरोना स्थिति नहीं सतर्क होगा लगी पूर्व समस्त राज्य को केंद्र सरकार निर्देश देते सरकार कोविड टास्क फोर्स सदस्य तथा एम्स मुख्य डॉक्टर रणदीप सुलरिया कंटामिनेशन जोन लॉकडाउन एरिया अधिक टेस्टिंग संगरोध आदि उपरे गुरुत्व प्रदान करते सेपटे गत 24 घंटा मध्य सारा देश में 93,349 नुआ संक्रमण चिन्हट होता बेले 513 जन मृत्यु घटी तेरे नूतन आक्रांत को मिशाई देश में समुदाय संक्रमित संख्या 1,24,85,009 पहुंची से मृत्यु संख्या 1,64,623 पहुंची अन्य राज्य तुलन में महाराष्ट्र स्थिति अत्यंत गंभीर रही क्रमगत भाव में संक्रमण बढ़ुवर पुणे में मिनि लॉकडाउन लागू करा गत 24 घंटा मध्य महाराष्ट्र में 49,447 नुआ मामला सामनाकु आसीथिबा बेले 277 जनकर मृत्यु होइछि अन्यपटे महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण मात्राधिक भाव वृद्धि पाथ्वा जो मध्यप्रदेश सरकार महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ सीमा को सील करदे
महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ अधिक संक्रमित मध्यप्रदेश को आसुथिबार लक्ष्य कर राज्य सरकार एभली निष्पत्ति नहीं। सेहिपरि भोपाल रे 536, जबलपुर रे 224 एवं ग्वालियर रे 120 जन संक्रमित होइछंती। मोट सक्रिय मामला संख्या मध्य 20,378 रे पहुंचिछि। एही समय मध्य रे पंजाब महाराष्ट्र संक्रमण वृद्धि हार को मध्य टपी जाइछि। तबे एही समान समय रे महाराष्ट्र एवं पंजाब समेत 10 राज्य तथा कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश रे मध्य सक्रिय मामला बढ़िछि। ब्यूरो रिपोर्ट, एनबीसी न्यूज। एपटे राज्य रे बढ़ुछि संक्रमण, 10 जिला रे बिगड़ुछि स्थिति। हरहरी दैनिक 500 हेलाणी संक्रमण मुकाबला लागि राज्य सरकार ने पारंती गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप दिनबेले लागू होइपारे कर्फ्यू। एने सूचना देइछंती बाचस्पति सूर्य नारायण पात्र। से कहिछंती आसंता 4-5 दिन रे सरकार डे कर्फ्यू ने निष्पत्ति नै पारंती। वर्तमान कोरोना तार सेकंड फेज अति भयंकर आकार आसी विभिन्न राज्य रे आम ओडिसा विभिन्न जिला रे आर प्रभाव अतिमात्रा देखा दीजिए। 10 जिले में कर्फ्यू नाइट कर्फ्यू हो सारा हेत आज 4-5 दिन पर डे कर्फ्यू मत हो पाए। राज्य सरकार और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट मान मुख्यमंत्री ताक अब्जर्व करते एपरी क्षेत्र में प्रत्येक मनुष्य निजे निजे आर गुरुत्व बुझा दरकार एवं करोना ठू दूर रही समस्त प्रकार प्रतिबंधक राज्य सरकार जो कर मानवा निरकार। भुवनेश्वर में एसबीआई मेन ब्रांच को सिल कला बीएमसी यूनिट एक स्थित बैंक ऑफ इंडिया रे कोरोना पॉजिटिव चिन्हट पर बीएमसी यह 48 घंटा पर सिल कर। एने बीएमसी कमिशनर प्रेमचंद्र चौधरी सूचना देखते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रो ए शाखार 7 जन कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती। कर्मचारी पॉजिटिव चिन्हट होगा पर बीएमसी तुरंत यह सिल करने सहित कंटाक्ट ट्रेसिंग आरंभ करी। तेरे एठाकर कर्मचारी केमिति कोविड संक्रमित हेले सेने कंटाक्ट ट्रेसिंग पर ही सूचना मिल पार। कोरोनार लेउटाणी पर पुणि थरे श्रीमंदिर दर्शन उपरे कटकणा। प्रति सप्ताह रविवार श्रीमंदिर भक्तंकर दर्शन बंद रखिबाकु श्रीमंदिर प्रशासन निष्पत्ति नेछंती। एने श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु नुआ एसओपी जारी करा जायछि। सकाळ 5:55 रे श्रीमंदिर द्वार फिटी 6:25 रे भीतर शोध सह महाप्रभुंकर अन्यान्य नीतिकांति करा जाय। श्रीमंदिर भीतर और बाहर सानिटाइज करा जायछि। रविवार व्यतीत सप्ताहर अन्य दुई दिन रात्र दर्शन पर श्रीमंदिर विशोधन करने को भी निष्पत्ति नियाजाई। आगक नियम आहरी कड़ाकड़ी करने बाहर भक्तों दर्शन उपरे कटकणा लगवाक भी योजना रही। आज दर्शन बंद नथिबा जानी राज्यर विभिन्न स्थानों आसीथिबा श्रद्धालु पुरी आसी महाप्रभुंकर दर्शन नकरीपारी निराश हो फेरी। पुरी तथा राज्यर विभिन्न स्थानों आसीथिबा श्रद्धालु श्रीमंदिर सिंहद्वार सम्मुख बैरिकेड बाहर पतित पावन दर्शन कर फेरी। आसवा परवर्ती खबर को पुणी छत्तीसगढ़ दादागिरी। प्रथमे सीमांत अंचल पर एवं सिनापाली रेंजर खंदापड़ा निकटस्थ गाईखात जंगलर प्राय 10 एकर गछ काटे चाष जमी तैयारी कले छत्तीसगढ़ लोके। सेपटे यह सिनापाली रेंजर प्रतिक्रिया रखिता बेले तुरंत हस्तक्षेप लगे दावी कर सीमांत बासिंदा। छत्तीसगढ़ दादागिरी नुआपड़ा जिला सिनापाली तहसील नुआ मालपड़ा अंचल जमी जबरदखल 3 वर्ष हिला धीरे धीरे कब्जा कर चली। छत्तीसगढ़ सीमांत गाईघाटी जंगलर ओडिशा सीमार जंगलू गछ काटी चाष जमी तैयारी करछंती छत्तीसगढ़ लोके। स्थान में 2 वर्ष पूर्वे सीमापाली वन विभाग द्वारा वृक्षरोपण कर स्थानों सागवान महुल भली अनेक मूल्यवान गछ को काटि नेउछंती छत्तीसगढ़ लोके। से अंचल प्राय 10 एकर जगह को कले अख्तियार सीमार छत्तीसगढ़ ओडिशार सीमार फॉरेस्ट एरिया ने प्लांटेशन कराई से प्लांटेशन भितर छत्तीसगढ़ लोक जमी बाड़ी जंगल के काटिकी
জমি বাড়ি করে দেলে না পাখাপাখি 20-25 একর চাষ করে দেলে না আর পুনর্বার শাগান প্লান্টেশনকে বি কাঠপাত্রা চালু করে দেলে না কিন্তু আমার সরকার কিন্তু ধ্যান নেই দেওয়ার কি জঙ্গল বিভাগ তার তদন্ত হইলে কই পারবা আজ্ঞা সে ঘোড়ামুর পাখরে আজ্ঞা সবদি পাখরে ছত্তিশগড় বুর্জাবাদ বনুয়াপড়া সাইটর কিষান আসিকরি সবু জমিনটা 25-30 একর জমিনটা সেটা কভার করে নেলে সেদিন আমার খন্দাপড়া গ্যা ঘাটি বলি করে জঙ্গল ছিল সুরক্ষা জঙ্গল সে সুরক্ষা জঙ্গলকে জমিন কাটি করে সে চাষ করি করে মহল চার সবু হানি দি করে শাগুন গছ যে সব হানি করে সে চাষ করি করে খেয়ে নেছেন আজ্ঞা ସିନାପାଲି ଖଣ୍ଡାପଡ଼ା ଓ ନୂଆ ମାଲପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା ସହ ଜମି କରୁଛନ୍ତି କବ୍ଜା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିରାଚରିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସେଟା କମେଇ ଖେଇ ସାରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଚାହାର ଗଛ ଶାଗୁନ ଗଛ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଗଛ ଅଛି ସବୁକେ ମାରି କରି ଖେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ହେଇଥିବା 25-26 ଏକର ଉପରେ ହେଇଥିବା ଆଜ୍ଞା ଶାଗୁନ ଗଛ ତମର ଯେତେ ଗଛ ଅଛି ଶାଗୁନ ଗଛ ମହୁଲ ଗଛ ଚାହାର ଗଛ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗଛ ମରା ହେଇଛି କିଛି ଅଧିକ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ହେଲା ହାଫ୍ ହେକ୍ଟେୟର ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 ଏକର ଜମିର ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ହେଲା ଅଲରେଡି ରେଞ୍ଜରକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଛି ସେଠି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସିକ୍ୟୁର କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଞ୍ଚ କରିବେ ଯୋ ବି ଜଣ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଜବରଦଖଲ ଚୁପ୍ ବସୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏମ୍ବିସି ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଧାନସଭା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରକୁ ଚପଲ ଫିଙ୍ଗିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆଘାତ ଏଥିରେ ଜନସାଧାରଣ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଲଗା ବାଟ ଦେଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ବିରୋଧ ଓ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ହେଲେ ଚପଲ ଫିଙ୍ଗିବା ବଦଳରେ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ବିଜେଡି ବିଧେୟକ ପାର ହେବା ସମୟ ପାରିତ ହେବା ସମୟରେ ସାଧାରଣ ବିଧାୟକ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କହିବାର ତାର ନୈତିକ ଅଧିକାର ଅଛି ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଲି ବାଚସ୍ପତି ଆମକୁ ଅନେଇଲେ ନାହିଁ ଏ କଥାଟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଫିଙ୍ଗିଲା କିଏ କ'ଣ କଲା ତାହାକୁ ଆମ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରାଗଲା ଏବଂ ତିନି ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଜନଣ ମିଶ୍ର ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସେଠୀ ମୋହନ ମାଝୀ ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା ପରମ୍ପରାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ବାଚସ୍ପତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୃହ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେଟା ନିନ୍ଦନୀୟ ଯେତେବେଳେ ବହୁ ଦିନର ସଞ୍ଚିତ କ୍ରୋଧ ଜମି ଯାଇଥିବ ତା ବିପ୍ଳବ ଆକାର ଧାରଣ କରିବ ମନୁଷ୍ୟର ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରର ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେବେ ବିଧାନସଭାରେ ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କ'ଣ ଗୋଟେ ମୃତ ମାନବ ଭଳିଆ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ଆସେମ୍ବଲି ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ତାର କଷ୍ଟଡିଆନ୍ ହେଲେ ବାଚସ୍ପତି ଆମେ ଅଲଗା ବାଟ ଦେଇକି ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ବିରୋଧ କରିବା ଦାବି ହାସଲ କରିବା କିନ୍ତୁ ଚପଲ ପକେଇକିରି କରିବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଅତି ନିଷେଧ ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆଘାତ ଦେଇଛି ଜନସାଧାରଣ ମର୍ମାହତ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରକୁ ଚପଲ ଫୋପାଡ଼ି ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବାଚସ୍ପତି ସର୍ବଦଳୀୟ ମିଟିଂ ଡକାଇ ବିଶେଷ କରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଲିଡ଼ର ଏବଂ ବିଜେପି ଦଳର ଲିଡ଼ର ଅପୋଜିସନ୍ ଲିଡ଼ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକଙ୍କୁ ଡାକି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖାଇଲେ ଯେ କେଉଁମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅସତ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଜୋତା ପକାଉଛନ୍ତି କିଏ ହେଡ଼ଫୋନ୍ର ଖୋଲିକି ପକାଉଛନ୍ତି କିଏ କଲମ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି କିଏ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ବାଚସ୍ପତି ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେଇଥିଲେ ଏପଟେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆଗରେ ଫେରାଦ ହେଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ଛଅଟି ବିଲ୍କୁ ତରବ ଭାବେ ଯେପରି ପାସ୍ କରାଗଲା ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହୋଇଛି ଟିମ୍ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ବିଲ୍ ପାରିତ କରିବା ନେଇ ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ ଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇ ଓ ନୀତି ନିୟମକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଲ୍କୁ ପାସ୍ କରାଯାଉଛି ଏହା ବାସ୍ତବିକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା
एपरी कार्य विरोध में विधानसभा भितरे समस्ते विरोधी एकजुट हो लड़बार आवश्यकता अच्छी कहते विधायक जयनारायण मिश्र। राज्यपाल को आम जनइलु गत काली जो तरवरिया भाव में छ गोटी बिल पारित है आमको पार्टिसिपेट सुजोग मिलला ना ताको रिकनसीडर करने विधानसभा को फेरस्त कर पुनर्वार से हाउस उपस्थापित हो आलोचना है पारित करेंगे ये कथा मान्यवर राज्यपाल को आम फेरा कर विधि व्यवस्था अनुसार ताठू अधिक कौन अच्छे आम विधानसभा किभली चली महामान्य राज्यपाल को जनइलु जे कौन सी नीति नियम रे विधि विधि विधान रे विधानसभा न चलिकी बाचस्पति मनइच्छा विधानसभा चलाउछन किछु जो छटा बिल तरवरिया भाव में गृहीत हो गला ताको आपण फेरस्त कर दियंतु आ सेटा विधानसभा रे पुनरालोचना हो। फोनपे रे आसीथिबा 2500 टंका फेरस्त पाइबा आशा रे साइबर ठकंक द्वारा 1,00,000 रु अधिक टंकार ठके ठकेर शिकार होता युवक जनक बलांगीर जिला पुईतला ब्लक अंतर्गत वालेर गाँवर श्रीकृष्णा पटेल पेशारे से जड़े हाईस्कल शिक्षक होता बेले एने से बलांगीर टाउन थाना अभियोग कर गत 2 तारीख पर बलांगीर सहर रमेश फोटो स्टूडियो रे फोटो नेवापर फोन पे मध्यम 2500 टंका पैठ करते तेरे आकाउंट्रु टा कटिजापर भी दोकानी आकाउंट्रे टा जमा हो नाला फल पुणि थे गूगल अकाउंट रू टा पैठ करते तेरे 2500 टंका फेरी पाइबाक श्री श्रीकृष्णा गूगल पे को सर्च कर फोनपे कस्टमर केयर सेन्टर को जोजोग करते फोनपे कस्टमर केयर सेन्टर कर्मचारी परामर्श क्रमे से ओटीपी नंबर देवापर ताक आकाउंट रू 8-9 थर कर प्राय 2,24,000 टंका कटि जाता तेरे एथर 1,08,000 टंका फेरस्त होता बेले बाकी टंका फेरस्त हो नाला तेज से साइबर ठकामी शिकार होता जानवाक पाई टाउन थाना लिखित भाव अभियोग करने कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को पुलिस को से निवेदन कर 2500 टंकार फोनपे ट्रांजाक्शन कली ट्रांजाक्शन कली जिंदा मोर आकाउंट रू पैसा कटिगला कितु तर आकाउंट के पैसा नहीं गला मुझे कहली पठेदे ना तो आज्ञा नहीं आस बोल कहली हाँ ठीक अच्छे मुझे हरबर थी गूगल पे हो पार्बा हाँ गूगल पे हो पार्बा सर कह तो गूगल पे मुझे कली से पैसाटा तक निके गला मोर जेन पहला फोनपे जेन ट्रांजाक्शनटा करी से फोनपे ट्रांजाक्शन टा पेंडिंग जेहतु देखाला मत मैं फोनपे जेहतु नंबर पर मोर पाखे नहीं थी मुई मान गूगल रु फोनपे कस्टमर केयर नंबर मान सर्च मारिक से नंबर में फोन कली मैं फोन करके स्टाटस काण अच्छे मोर पैसा तो रही जाइए आ मोर निके बैग नहीं हबार तक निके क्रेडिट नहीं हबार तो काण अच्छे प्रोब्लेम काण हो नाई सार पेंडिंग से एपटे पिपिली उपनिर्वाचन घमाघोट प्रचार बीजेडी कांग्रेस और बीजेपी प्रार्थी माराथन प्रचार बीजेडी प्रार्थी रुद्र प्रताप महारथी कांग्रेस प्रार्थी अजित मंगराज और बीजेपी प्रार्थी आश्रित पटनायक सारा निर्वाचन मंडल में चलाई प्रचार पिपिली एनएससी में बीजेडी माराथन प्रचार बीजेडी प्रार्थी रुद्रप्रताप महारथी निज समर्थक मान सहित पिपिली एनएससी विभिन्न वार्ड को जा भोट प्रचार करारथी साजिंट ढेकाना विधायक सुधीर सामल नवीन सरकार सफलता और महिला सशक्तिकरण को आधार कर रुद्रों पर विभिन्न वार्ड में भोट भिक्षा करजेडी प्रचार में सामिल बेगुनिया विधायक राजेन्द्र साहू भद्रक विधायक संजीव मल्लिक प्रमुख आज जापे जो भाई भाव में पिपिली एनएससी में बुला बेले जो भाई भाव में आग्रह लोक मैंने देखिपार तेणु से ही विश्वास शख चिन्ह बहु संख्यार जितने सन्देह ना आपण मैंने समस्त जानते मानव मुख्यमंत्री प्रत्येक व्यक्ति विशेष जो कार्य गाँव को कम माँ को सम्मान नारी सशक्तिकरण योजना जन्म ठू मृत्यु पर्यंत एवं प्रत्येक क्षेत्र में ओडिशा को जदि देखा कोविड परिचालन ठू धरी प्रत्येक क्षेत्र में कालिया योजना सह कृषक भाई साथ मौसा मौसी प्रत्येक ये को देखने एवं कौन से द्विमत नहीं
ହିସାବରେ ପଛରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟାଇବା ଲାଗି ଚଳାଇଛନ୍ତି ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ। ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟା ମିଶ୍ର। ସେପରି ଡେରାଙ୍ଗକୁ ଫୋକସରେ ରଖିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ରାତିଦିନ ଏକ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ଆଜି ମାରାଥନ ରାଲି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ସେ ରାଲିରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 4 ଜୋନ୍ରେ 16 ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଏବଂ 16 ୱାର୍ଡ଼ର ମା ଭଉଣୀ ଯୁବକ ଛାତ୍ର କୃଷକ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ତେ ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି। ନଟୁ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଉଜାଡ଼ିବେ। ବହୁତ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂରେ ବୁଲୁଛୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭାରି ମତରେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ବି ତା'ର ଉତ୍ତର ପାଇଯିବେ। ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଖବର ବି ପାଉଥିବେ ବିଜେପି ପାଇଁ କେତେ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର 15 ଜୋନ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ, ମୋଟିଲ ପଞ୍ଚାୟତ, ତାପରେ ଚାଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ସୁଜନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ସିଲିବରମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଜି ଭାବିଛୁ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଆମେ 4 ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିବୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବୁ। 17 ହେବ ନିର୍ବାଚନ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗଡ଼ଦଖଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି ଭମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ପ୍ରତାପ ବାରିକ, ଏମ୍ବିସି ନ୍ୟୁଜ୍। ଗୋଟିଏ ରୋଗରେ ଗୋଟିଏ ମେଡିକାଲରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଯାଜପୁର ସଦର ଥାନା ମହେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତର ଜୟପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମର ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହରିପୁରରେ କରିଥିବା ହାର୍ଡୱେର୍ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବାଟରେ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଜଟିଳ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅମ୍ବିକା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବି କଟକ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ହୃଦ୍ଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହାରିଥିଲେ। ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ମିଶି ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀକୂଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉଭୟଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଘର ଯିଏ ତାଙ୍କ ଘର ସିଏ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ନୁହଁ, ଆମେ ଖଣ୍ଡାୟତ ଘର ନୁହଁ। ସେ ହରିପୁର ଗୋଟେ ହାର୍ଡୱେର୍ ଦୋକାନଟେ ସେଠି କରିଥିଲେ। 9 ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। 9 ହଠାତ୍ ଅସ୍ତ ସେ ମହେଶ୍ୱରପୁର ମୁରଣୀ ପାଖରେ ହେଇକିରି ଗଡ଼ିକିରି ପଡ଼ିଗଲେ। ଆମେ ସବୁ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକିରି ତାକୁ ଆଗରେ ନେଇକିରି ପଳେଇଲୁ। ତା ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅମ୍ବିକା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭାବନା ଦେଇଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ବି ସେଇଭଳିଆ ଅଭାବରେ ହେଲା। ସିଏ ଅଚେତ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଗଲେ। ତାକୁ ବି ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକିରି କଟକ ନେଇକିରି ଗଲେ। କଟକରେ ନେଇଗଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ। ଆମେ ତାପରେ ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ଶବ ଆସିଲା। ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜୟପୁର ବରହମପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ହରିପୁର ହାଟର ମାନେ ମାର୍କେଟ ତାଙ୍କ ସଂଘ ବଣିକ ସଂଘ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆସିକି ଶବ ଆମ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ କୂଳରେ ତାକୁ ଶବ ସଂସ୍କାର କରି ହରିପୁରରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି କାଲି ମଧ୍ୟ 9:30 ବେଳେ ଫେରୁଥିଲେ। ଫେରିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଥିଲେ ଏବଂ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନିଆହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେ ଡକ୍ଟର କଟକ ରେଫର କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କଟକ ଯିବା ବାଟରେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ମାନେ ଅମ୍ବିକା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯେ ଶାଶୁ ହେବେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।